हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि एंड आज है 28 फरवरी 2020। तो आज के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग जस्ट वन मोर थिंग कि आप सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्सेज का ये पार्ट है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, जितने भी हम रोज़ की करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कस करते हैं, सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्स का ये पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और प्रीलिम्स ऑप्शनल दोनों का ही पार्ट है, ये टेस्ट सीरीज़ का भी पार्ट है। पर जिन लोगों ने प्रीलिम्स और ऑप्शनल लिया है तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस, ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कोर्स। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली न्यूज़ है आज की, ईज 3.0 इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। तो अभी रिसेंटली हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये पूरा ईज 3.0 ये चीज़ निकाली है। तो ये है क्या, बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है तो बैंकिंग को और आसान करने के लिए और आप इजीली आप अप्रोच कर सकते हो, तो इस पूरे प्रोसेस को पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को आसान करने के लिए ईज 3.0 निकाला गया है। तो इसका एम क्या है कि स्मार्ट टेक इनेबल्ड पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो है आप जो है उसको प्रोवाइड करो, ठीक है। फीचर्स इसके क्या है, सबसे पहले है पाम बैंकिंग। पाम बैंकिंग क्या होती है, एंड टू एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ फिनेंशियल सर्विस। तो फिनेंशियल सर्विस का जो है एंड टू एंड आप डिजिटल डिलीवरी कर रहे हो उसका। एंड देन बैंकिंग ऑन गो क्या है कि ईज बैंकिंग आउटलेट्स होंगे कुछ, ठीक है। तो अलग अलग स्पॉट्स पे होंगे, जैसे मॉल्स में आपको मिल जाएंगे या मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, कॉम्प्लेक्सेस में, कैंपसेस में, ये आपको ईज बैंकिंग आउटलेट्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो बैंकिंग ऑन गो ये इस तरीके का ये चीज़ नई इंट्रोड्यूस की गई है, ओके। तो अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट इज क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स क्या है, बेसिकली ये है कि जितना भी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्हांस करने का, उसको अपग्रेड करने के बारे में है ये पूरा प्रोजेक्ट। तो ये आप कह सकते हो एक स्मॉल स्केल लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे इस पे, स्मॉल स्केल पे प्रोजेक्ट ये जो है इम्प्लीमेंट होंगे और इसी तरीके से प्लान होंगे और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट किए जाएंगे। तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो मोस्टली जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगेन जो मैंने आपको बताया, उसको अपडेट करने के बारे में, जैसे रोड्स हो गए, लोकल कम्युनिटी सेंटर हो गए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। तो एक स्मॉल स्केल पे इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, और एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट होंगे, कम टाइम फ्रेम में हो जाएंगे। तो शॉर्ट जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ये, इनका एम क्या होता है कि लोकल्स को डायरेक्टली बेनिफिट करें, इमीडिएट रिजल्ट दिखाएं और विजिबल रिजल्ट दिखाएं। तो ज़्यादा टाइम तक लोकल्स को वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई कब होगा कंप्लीट प्रोजेक्ट, कब होगा, क्योंकि आप बड़े स्केल पे जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो वो कंप्लीट होने में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, ज़्यादा हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक उसका कैपिटल ज़्यादा लगेगा उसमें, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो इसका एम यही है कि आप छोटे लेवल पे आप एक प्रोजेक्ट जो है प्लान करो और डायरेक्टली लोकल्स को जल्द से जल्द जो है बेनिफिट उसका पहुँचाओ। नेक्स्ट इज लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर। तो अब ये लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो है, अब ये न्यूज़ में है तो इसलिए कुछ कुछ फीचर्स हैं इसके देख लेते हैं। 5.5 टन क्लास कम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसमें दो शक्ति इंजन्स लगेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ टेक्निकल इसके फीचर्स क्या है कि इसमें जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो ALH ध्रुव है उसके टेक्निकल फीचर्स ये इनहेरिट करता है। पहला अटैक हेलीकॉप्टर है लैंड पर एंड इन फॉरवर्ड बेसिस एट सियाचिन के फॉरवर्ड बेसिस पर जो है ये पहला अटैक हेलीकॉप्टर है लैंड पर, ये अटैक कर सकता है एंड 4700 मीटर्स अबव सी लेवल विथ 500 किलोग्राम लोड, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़े से टेक्निकल फीचर्स है इसके जो आपको ध्यान में रखने हैं। डिज़ाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट इज मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। अब ये भी न्यूज़ में है तो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉन्च कब हुई थी। तो 2000 में ये लॉन्च की गई थी, कहाँ पर, लाओस में। लाओस की कैपिटल है वियंटेन जो है इसकी कैपिटल है, तो यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। और मेकोंग और गंगा दोनों ही जो है जो भी कंट्रीज से होके जा रही हैं, तो वो कंट्रीज़ हैं कुछ कुछ उनका पार्ट है, बेसिकली 6 कंट्रीज हैं टोटल इसका पार्ट है। तो मेकोंग और गंगा दोनों ही होके जाती हैं जहाँ से, तो दो ये सिविलाइजेशनल रिवर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया की, तो ये भी ध्यान रखना है। और मैप में यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगी, देखो रिवर्स दोनों किस तरीके से जा रही हैं। तो ये मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है इसका एम क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं इन रिवर्स के आसपास उनके कॉन्टैक्ट्स जो है वो और बेहतर बनाया जाए और क्लोज़र कॉन्टैक्ट्स हो
इन लोगों का जो कि ये दो मेजर जो रिवर बेसिन है उनके आसपास रह रहे हैं, और टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस में कोऑपरेशन जो है और इन्हांस हो सके। मेंबर्स कौन है? एक तो इंडिया हो गए, और पांच एशियन कंट्रीज जो है जो कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारी इसका पार्ट है। मैप में यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये सारी कंट्रीज हैं जो पार्ट हैं इसका। गंगा रिवर दिस एंड दिस इज मेकोंग रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से आ रही है इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। तो ये कंट्रीज इसका पार्ट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे अलग सेशन में जो है वो कवर हो जाएंगे। तो जैसे एक टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का टॉपिक है वो, और इंडिया यूएस रिलेशंस जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंडिया म्यांमार रिलेशंस जो है, अब देखो इंडिया और म्यांमार दोनों ने ही 10 अग्रीमेंट्स जो है साइन किए हैं। अलग अलग फील्ड्स में ये साइन किए गए हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉपरेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, तो ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये एक एमओयू साइन किया गया है। देन टिम्बर ट्रैफिकिंग जो है, और टाइगर्स का कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन के लिए ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। देन आप इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैं आपको बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले ये जो प्रोजेक्ट है, तो ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है इसके लिए भी जो असिस्टेंस ग्रांट की जाएगी इंडिया के द्वारा, तो ये सब अग्रीमेंट किए गए हैं। देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक एमओयू साइन किया गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट अग्रीमेंट जो है, जो प्री स्कूल्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, कौन से राखीने स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, ठीक है, जहाँ पर रोहिंग्यास के लिए ये स्टेट जो ओरिजिन स्टेट है राखीने रोहिंग्यास की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो वहाँ पर प्री स्कूल की डेवलपमेंट के लिए की जाएगी। और इंडिया जो है वो पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट जो है वो राखीने स्टेट में ये सपोर्ट कर रहा है। और बस सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो एक कोऑर्डिनेटेड बस सर्विस जो है वो इम्फाल और मैंडले में ये चलाई जाएगी, तो ये किया जाएगा। और इंडिया जो है वो ये अपनी साइड से, इंडिया की साइड से क्या हुआ है कि एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इन तमु म्यांमार, ठीक है। तो ये चीज़ की जाएगी, आप यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। तो राखी ने स्टेट भी दिया हुआ है, म्यांमार का ये पूरा मैप जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।